ना खाएं ऐसा आहार जो बना दे आपकी किडनी को बेकार। जब किडनी ना रहेगी स्वस्थ तो उम्मीद मत करना कि आपकी जिंदगी होगी मस्त। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बेस्ट किडनी डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक ऐसा खास विषय जिसमें हम आपको बताने वाले हैं सर्दियों में बढ़ते क्रिएटिनिन को कैसे कम किया जाए। तो चलिए बिना समय खराब किए हुए शुरू करते हैं अपना आज का विषय और जानते हैं क्रिएटिनिन को कम करने के खास 5 तरीके। बढ़ता क्रिएटिनिन आपकी किडनी खराबी की संभावना को भी बढ़ा देता है, जिसके लिए जरूरी है कि आप अपने आहार में कुछ बदलाव करें, जिसमें पहला है आपकी रोजाना ली जाने वाली चाय। सर्दियों का समय है तो ऐसे में चाय तो अधिकतर लोग पीते ही हैं, पर अगर आप साधारण चाय के स्थान पर हर्बल चाय को पिए तो इससे आपको दो फायदे मिलेंगे। पहला तो ये कि सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म चाय पीने की आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, साथ ही इससे आपका क्रिएटिनिन लेवल भी सामान्य रहेगा। हर्बल चाय के रूप में आप तुलसी के पत्ते, पुदीना, शहद और अदरक को मिलाकर इसकी चाय बना सकते हैं। ये आपके क्रिएटिनिन को सामान्य रखती है। चलिए आते हैं अपने दूसरे उपाय पर, जो है सेल्विया। सेल्विया एक प्रकार की जड़ी बूटी है जो बॉडी में बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल को कम करने का काम करती है। सेल्विया का सेवन करने से बॉडी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ता है, साथ ही क्रिएटिनिन स्तर को कम करने में मदद मिलती है। इसमें लिथेस्परमेंट बी नाम का एक पोषक तत्व होता है जो आपके शरीर से क्रिएटिनिन को बाहर निकालने में मदद करता है। इस सर्दी के मौसम में आप सेल्विया से बनी चाय भी पी सकते हैं, या आप इसको पानी में उबाल कर इसको गुनगुना करके भी पी सकते हैं। जानते हैं अपने तीसरे उपाय के बारे में। अगर आप इस सर्दी के मौसम में दालचीनी को अपनी डाइट में शामिल करें तो ये न सिर्फ आपके क्रिएटिनिन स्तर को कम करती है बल्कि आपके खाने के स्वाद को भी बढ़ाती है। वैसे खाने में स्वाद को बढ़ाना हो तो आप दालचीनी को आहार बनाने में प्रयोग करें, या फिर आप दालचीनी को पानी में उबाल कर भी इसका सेवन कर सकते हैं। दालचीनी का एक और फायदा है कि ये आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाए रखती है, जिससे आपकी बॉडी हर बीमारी से लड़ने को तैयार रहती है। क्रिएटिनिन के स्तर को कम करने के लिए अपने आहार में आप सेब और अनार को जरूर शामिल करें। सर्दियों के मौसम में फलों का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में भूख बढ़ जाती है और कहीं भी कुछ गर्मा गर्म तला हुआ खाना दिख जाए तो कंट्रोल नहीं होता। ऐसा खाना खाने में मजेदार तो होता है लेकिन आपके पेट को पचाने में मुश्किल हो जाता है, इसलिए सेब और अनार का सेवन आपके आहार को पचाने में मदद करता है, क्योंकि ये दोनों फल आपकी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करने में मदद करते हैं, जिससे आपका क्रिएटिनिन लेवल सामान्य रहता है। क्रिएटिनिन लेवल को सामान्य रखने में पांचवा उपाय है कि आप फाइबर रिच फूड का सेवन करें। तो ये है खास 5 तरीके जिन्हें आप इन सर्दियों के मौसम में अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हम हमेशा अपने चैनल पर किडनी मरीजों के आहार से जुड़ी जरूरी जानकारी देते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से किडनी मरीजों की डाइट से जुड़ी सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी की समस्या से परेशान है तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में अपनी समस्या लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपसे खुद संपर्क करेगी। इंडिया के बेस्ट किडनी डाइट चैनल पर आने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।